हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेल ई लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब है कि प्रोटीन आरएनए या फिर डीएनए को यूज करेंगे इन डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज। ओके, सो डिजीज डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स, आरएनए और डीएनए इज नोन एज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो होता क्या है, किसी भी डिजीज के केस में अगर हम कन्वेंशनल तरीके से डायग्नोसिस करते हैं तो डायग्नोसिस में रिजल्ट्स आने में, पॉजिटिव रिजल्ट्स आने में कुछ टाइम लग जाता है। लाइक टाइम मींस कि जब तक उस पैथोजन का बहुत ग्रोथ नहीं हो जाता बॉडी में, मींस वो पैथोजन इतना बढ़ जाता है कि वो सिम्टम्स देने लग जाए, तब तक हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, कन्वेंशनल तरीकों का मतलब है हमारा यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरेज एंड ऑल। ओके, सीरम टेस्ट, दीज आर ऑल टेस्ट विच आर कन्वेंशनली, हम इनको बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। तो कुछ नया टेक्निक जो है हमारा, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स यूज करेंगे, जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो इसमें हम डायग्नोसिस में यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज प्रोटीन्स, we can use DNA, we can also use RNA. Okay, so these molecules can be used to detect the presence of a pathogen in the body. That is molecular diagnosis. अब pathogen detect कर रहे हैं और इसमें क्या फायदा है कि pathogen अगर बहुत ही कम amount में है तब भी detect हो सकता है। Pathogen detect कर पा रहे हैं हम, ठीक है, जब उसके सिम्टम्स अभी बॉडी में नहीं आए। अगर सिम्टम्स आ जाएंगे मींस वो पैथोजन बॉडी में स्प्रेड हो चुका है, तो उस टाइम डिजीज को ट्रीट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो डिजीज को पहले ट्रीट कर पाए हम, उसके लिए क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हमारी हेल्प करता है और पैथोजन को बहुत ही थोड़े अमाउंट्स में भी डिटेक्ट कर पाता है। तो हम इसमें डिजीज डायग्नोसिस कर सकते हैं, हम इसमें डिजीज के साथ जेनेटिक प्रॉब्लम्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मेन रीजन क्या हो सकता है, मेन रीजन कुड बी म्यूटेशन, सो वी कैन आल्सो डिटेक्ट म्यूटेशंस। इससे पहले हमने बोला पैथोजन डिटेक्शन, सो इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वी कैन डिटेक्ट पैथोजन और वी कैन आल्सो डिटेक्ट म्यूटेशंस। ओके, तो इसमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या करते हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं? हियर वी फॉलो द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमें मदद कर रही है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देन वी हैव द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। देन देयर इज अनदर टेस्ट कॉल्ड एलिसा। ये तीनों हम मेनली देखेंगे कि कैसे हेल्प कर रहे हैं हमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम अलग से नहीं ले रहे हैं, पीसीआर में हमें पता है इन दोनों में रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं और डीएनए जो कि एक जीन कैरी कर रहा है डिटेक्ट यूज हो सकता है, या फिर डीएनए को हम यूज कर सकते हैं एज अ प्रोब, एज अ मॉलिक्यूलर प्रोब। डीएनए का छोटा सा सिंगल स्ट्रैंड जाएगा और वो प्रोब की तरह एक्ट करेगा इन डिटेक्शन। तो पहला फायदा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का, बहुत थोड़े अमाउंट्स में भी ये पैथोजन को डिटेक्ट कर सकता है, और अगर वो बहुत थोड़े अमाउंट में है उसको हम पीसीआर से एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। पैथोजेनिक डीएनए अगर हमारी बॉडी में बहुत थोड़े अमाउंट्स में पड़ा हुआ है, इफ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इट, देन वी कैन फर्स्ट एम्पलीफाई the DNA amount using polymerase chain reaction and then it can be used to detect that particular problem. कैसे करेंगे, second step में हम molecular probe डाल के use कर लेंगे। ठीक है, तो this PCR you all know, recombinant DNA you all know, what is this recombinant DNA, जिसमें दो organisms का DNA join किया गया है, और PCR is polymerase chain reaction, chain reaction है, reaction में क्या हो रहा है, डीएनए की कॉपीज बढ़ती जा रही हैं, जितनी मर्जी हम उस किसी पर्टिकुलर जीन की हम जितनी चाहे उतनी कॉपीज
फॉर्म कर पा रहे हैं. एंड दिस टर्म इज न्यू फॉर यू. दिस इज ELISA. ELISA स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे. यह है इसका फुल फॉर्म. तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे चल रही है. ठीक है, तो वी आर गिवन पैथोजेंस कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई भी हो सकता है. और आप लोग ये जानते हैं, अगर हमारी बॉडी में ये होंगे तो उनका डीएनए भी डिटेक्ट हो सकता है बॉडी में. तो ये सभी पैथोजेंस हैं. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ पीसीआर हेल्प्स इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. सो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये क्या कर देती है? जीन एम्प्लीफिकेशन की एक टेक्निक है एंड दिस जीन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक हेल्प्स टू डिटेक्ट. इट हेल्प्स टू डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट्स ऑफ पैथोजन और पैथोजेनिक डीएनए. डीएनए और आरएनए, व्हाट एवर इज देयर, इट कुड बी एन आरएनए वायरस. तो इसको बहुत छोटे अमाउंट्स में भी डिटेक्ट कर सकता है जब वो जस्ट इन्फेक्शन हुआ ही है तब. एंड ड्यू टू दिस फीचर, दिस पॉइंट, आपको मालूम है कितना भी कम डीएनए हो हमारे पास, हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज करके. और दूसरी बात है, तो इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं? वी आर दिस डेज वी आर यूजिंग पीसीआर इन डिटेक्शन ऑफ एच आई वी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. इसका हम कहां पर डिटेक्शन करने जाएंगे, कहां पर हम चेक करेंगे, किन लोगों को हम चेक करेंगे? जो कि सस्पेक्टेड पेशेंट्स, जिनमें एच आई वी होने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट्स हो गए, या फिर वो लोग जो कि ड्रग अब्यूजर्स हैं, जो कि नीडल्स शेयर करते हैं ड्यूरिंग ड्रग अब्यूज. तो उनमें एच आई वी डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर को यूज करते हैं एंड देन मॉलिकुलर डायग्नोसिस से उसको डायग्नोज कर लेते हैं. ELISA जो भी मैंने आपको टेस्ट बताया था, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर दिस. ELISA यहाँ पर टेस्ट है. द पर्टिकुलर टेस्ट डन इज ELISA, बट ELISA करने से पहले हम अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज करवा सकते हैं. अगर कोई आपसे पूछता है कि कौन से टेस्ट से एच आई वी डिटेक्शन होता है, द राइट आंसर इज ELISA. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पीसीआर हियर. पीसीआर में क्या करते हैं, ELISA करने से भी पहले उसको जो डीएनए का अमाउंट है उसको इंक्रीज करवाते हैं. सपोज अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ डीएनए इज देयर इन द पेशेंट, देन ऑल्सो इट इज एम्प्लीफाइड एंड देन ELISA इज डन ऑन इट. ओके, तो इसको हम पीसीआर में भी लिख सकते हैं सेम पॉइंट and we can use it too in ELISA also. ठीक है, और PCR को कहाँ use करेंगे? अगर कोई suspected cancer patient है, जैसे कि कोई patient जो बहुत smoke करता है, smoker है, या फिर someone who is having cancer in the family. ठीक है, किसी की family में अगर cancer run कर रहा है तो the person is also at risk. तो उस person में cancer के लिए क्या check करेंगे? कैंसर आप जानते हैं जीन्स से होता है, स्पेशल ओंकोजीन्स बोलते हैं उन्हें हम. ओंकोजीन्स आर स्लीपिंग इन ईच पर्सन, सब लोगों में होती हैं, बट एज प्रोटो ओंकोजीन्स इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं, पर वो एक्टिवेट हो सकते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस. उसमें से एक रीजन ये भी हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन. ओके, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ओंकोजीन्स एक्टिवेट हो सकती है, प्रोटो ऑन्को से ऑन्कोजीन्स बन सकती है. तो यहाँ पर कैंसर डिटेक्शन के लिए भी
again in suspected patients. In suspected patients, जिनमें हमें ऐसा शक है कि उन्हें कैंसर हो सकता है, तो उन्हें में भी किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो कैंसर है, जो वायरस आता है, वो जीन्स को चेंज करता है, वो म्यूटेशन ही है, that is also a mutation. तो म्यूटेशन डिटेक्ट करने का तरीका हम बाद में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कैसे करते हैं प्रोब यूज करके, लेकिन पहले हम ये कर रहे हैं कि पीसीआर कहाँ कहाँ हेल्प कर सकती है. अब अगर ये कैंसर चेक कर सकती है तो ये कोई भी म्यूटेशन चेक कर सकती है, ठीक है. तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन. तो ये जेनेटिक म्यूटेशन भी चेक करने में हमें हेल्पफुल है. सेम वे इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डीएनए. अमाउंट इंक्रीज होने के बाद उसको कैसे चेक करेंगे, दैट वी नीड टू सी नाउ. नेक्स्ट वी विल सी हाउ मॉलिक्यूलर प्रोब हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर म्यूटेशन और अ पर्टिकुलर पैथोजन. तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम लेते हैं क्या, वी टेक अ मॉलिक्यूलर प्रोब. मॉलिक्यूलर प्रोब जो है हमारा, प्रोब इज अ डीएनए और अ स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और आरएनए. तो ये आरएनए भी हो सकता है और ये डीएनए भी हो सकता है, एक छोटा सा स्ट्रैंड, और इट्स अ स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड. ओके, छोटा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है. सिंगल स्ट्रैंडेड होने का क्या फायदा है कि इसके जो बेसिस हैं वो सभी एक्सपोज्ड हैं. सपोज इट इज हैविंग, इफ इट इज हैविंग दिस सीक्वेंस ऑन इट, ACTACTG, okay, then it will go and bond with a sequence that is complementary to it. अगर ये single stranded होगा सिर्फ तभी ये जाकर bonding कर पाएगा. Double stranded लेंगे, that will be of no use क्योंकि वो bonding नहीं कर पाएगा. So it's a small DNA strand which is single stranded. And ये जो molecular probe हमने लिया है, ये हम डिपेंड करेगा, अगर हम आरएनए वायरस को ढूंढने जा रहे हैं तो हम आरएनए लेंगे, डीएनए वायरस को ढूंढने जा रहे हैं तो हम डीएनए लेंगे. ओके, अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की म्यूटेशंस डिटेक्ट करने जा रहे हैं तब भी हम डीएनए को ही लेंगे. तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्रोब होता है, प्रोब क्या करेगा, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए दैट इज गोइंग टू फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन बल्क डीएनए. सपोज यहाँ हमने बहुत सारा डीएनए रखा हुआ है एंड इट इज गोइंग, जहां पर इसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा वहां जाके ये बॉन्डिंग करके अटैच हो जाएगा. ओके, और इस अटैचमेंट को क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिड बन जाएगा वहां जाकर, डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा. तो ये मॉलिक्यूलर प्रोब को हम क्या करते हैं, इसको हम पहले से रेडियो एक्टिव बना देते हैं. इसमें हम रेडियोएक्टिव फास्फोरस यूजुअली यूज करते हैं. तो रेडियोएक्टिव प्रोब जो होगा हमारा, दिस प्रोब विल गो, इसको छोड़ दिया गया बल्क डीएनए के साथ, और उस डीएनए में जहां पर इसको अपना मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, वहां जाकर ये अटैच हो जाएगा. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक ह्यूमन बीइंग का ये डीएनए लिया है यहाँ पर. ठीक है, in this DNA, here you have taken the DNA, you have all the whole of DNA, and you want to detect the mutation in it. Where is the mutation lying? We don't know. ठीक है? तो ये single stranded करके हमने रखा हुआ. अब हमें यहाँ mutation ढूँढना है, तो हम क्या करते हैं? सभी strands का हम complementary डाल के देखते हैं. Particular कोई एक chromosome भी लिया जा सकता है. एक है, दो है, चार है. That is किस पे शक है, कौन से क्रोमोसोम में वो म्यूटेशन है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज ऑफ साइंटिस्ट. तो वो करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उनको ये शक है कि एक पर्टिकुलर जगह पर म्यूटेशन है,
तो वो क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब्स डालेंगे एंड देन दीज विल बी अलाउड टू अटैच. तो एक तरीका तो ये है कि बहुत सारे प्रोब्स डाले हैं वो अटैच हो गए जाकर, और जो अटैच नहीं हुआ वहां म्यूटेशन. समझ रहे हो आप ये बात, जहां पर म्यूटेशन होगी वहां पर नॉर्मल जीन्स के हमें सबके सीक्वेंसेस मालूम है और वो जाकर उनके हमने प्रोब्स डाल दिए, दे आर गोइंग एंड अटैचिंग. ओके, बट द वन वेयर म्यूटेशन इज अकरिंग, सपोज यहां पर म्यूटेशन है तो वहां पर जाके प्रोब अटैच नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो हमें वर्क पता चल जाएगा कि हेयर इज द म्यूटेशन. और दूसरा तरीका है वी नो द म्यूटेशन टाइप, हमें म्यूटेशन पता है, हमें ढूंढना है वो म्यूटेशन कहाँ पर है, क्या वो है, हमें कंफर्म करना है. तो वी विल बी मेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोब उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस का. ये हमें मालूम है कि ये नॉर्मल जीन होती है लेकिन वहां म्यूटेशन आ गई है, तो वहां म्यूटेशन के बाद ये चेंज हो गया है. तो ये जो हमारा प्रोब होगा वो हमने कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है किसके लिए, म्यूटेशन के अकॉर्डिंग. तो वो जाके वहां अटैच होगा. अटैच होने के बाद क्या होगा, इफ द प्रोब विल अटैच टू द पर्टिकुलर सीक्वेंस, प्रोब इज रेडियो एक्टिव, तो ये डिटेक्ट हो जाएगा इन ऑटो रेडियोग्राफी. ऑटो रेडियोग्राफी में सिंपली एक एक्सरे फिल्म को हम यूज कर लेते हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी शो कर देता है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोब लिया हमने, हमने उसको जाके हाइब्रिडाइज करना अलाउ कर दिया. जहां वो हाइब्रिडाइज हो जाता है वहां पर हमको रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो जाएगा एंड देन वी विल कम टू नो दैट द म्यूटेशन इज प्रेजेंट हियर. ओके, और दूसरा तरीका, हमने रेडियो एक्टिव सारे डाल दिए, जो जो हाइब्रिडाइज होंगे वो नॉर्मल है एंड द वन विच इज नॉट हाइब्रिडाइजिंग मीन्स द म्यूटेशन लाइज हियर. क्योंकि एक नॉर्मल जीन का हमें ये मालूम था कि ये उसके ऊपर सीक्वेंस है, बट प्रोब इज नॉट अटैचिंग टू दैट पर्टिकुलर पार्ट, इट मींस दैट पर्टिकुलर पार्ट हैज गॉट म्यूटेटेड. म्यूटेशन आ गई तो सीक्वेंस बदल गया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब वहां पर अटैच नहीं हो पाएगा. तो इस तरीके से क्या करते हैं, हमें म्यूटेशन डिटेक्ट हो जाता है. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज एलिसा. तीसरी चीज है एलिसा आफ्टर पीसीआर, और इस सब में ही हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का नॉलेज चल रहा है. बेसिक तो वही है. ओके, पीसीआर में भी यूज होगा, मॉलिक्यूलर प्रोब में भी यूज होगा, आप जानते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोब यूज करना, ये सब चीज. ठीक है, तो एलिसा जो है एंजाइम, आई जस्ट रोट द फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड, यानी इसमें एंजाइम जरूर यूज होगा, इम्यूनो सॉर्बेंट से. फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको फुल फॉर्म का एक नंबर मिलता है. एलिसा में क्या करते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि की जाती है वायरस का डीएनए सेल्स में डिटेक्ट करने के लिए. और इस टेक्निक में होता क्या है, ये काम करती है, इसका एक प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक is antibody antigen interaction. क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी की बॉडी में कोई पर्टिकुलर एंटीजन या पैथोजन एंटर हुआ है तो बॉडी उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज. और इसका मतलब है अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर एंटीजन, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट, तो वो पैथोजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. ठीक है, ये हमारा बेसिक नॉलेज है इम्यून सिस्टम की. तो एंटीबॉडीज बॉडी में तभी बनेंगे जब एक पर्टिकुलर एंटीजन बॉडी में एंटर हुआ है. तो इन दोनों का इंटरेक्शन करवाकर देखते हैं एलिसा में. ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच दिस इज बेस्ड. तो क्या करेंगे, इसमें एक आपने कई बार देखा होगा एक ऐसा एक क्या रहता है जिसमें बहुत सारे छोटे वेल्स होते हैं, माइक्रो वेल्स बोलते हैं इन्हें,
के एक शीट है ये, इसमें छोटे छोटे कंटेनर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, माइक्रोवेल्स बने हुए हैं। इसमें क्या करेंगे, कोई पेशेंट है जो सस्पेक्टेड है ऑफ हैविंग द पैथोजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, चाहे वो पैथोजेंस एचआईवी के हो सकते हैं, एचआईवी हो सकता है वो वायरस, तो क्या करेंगे उस पर्सन का, उसकी बॉडी से फ्लूइड लिया, ब्लड लिया और इन वेल्स में डाल दी। ठीक है, अब क्या होगा उस वेल में, इट्स अ स्मॉल वेल, दिस वेल इज हैविंग, या तो इस वेल में पहले से डाल दिए जाएंगे एंटीजेंस, ठीक है, और ब्लड में उस पर्सन के ब्लड से आएंगे इसमें एंटीबॉडीज। अगर एंटीजेंस पहले डाल दिए गए हैं तो एंटीबॉडीज आके उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है, अदरवाइज वी कैन सिंपली एड एंटीबॉडीज, पहले एंटीबॉडीज डाल दिए गए, वाई शेप के एंटीबॉडीज हैं ये, आप जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो एंटीबॉडीज का है वाई शेप है, तो वो एंटीबॉडीज डाल दिए पहले उस पर्सन से, उस पर्सन का ब्लड डाल दिया इसमें, और अगर ब्लड में पड़े हुए हैं एंटीजेंस तो वो एंटीजेंस आके इन एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, यहाँ पे आके इनसे बाइंड कर जाएंगे, दे विल बाइंड। तो ये अगर वो, क्योंकि आप जानते हैं कि एंटीबॉडीज आर वेरी स्पेसिफिक, वो अपने ही पैथोजन के साथ, अपने ही एंटीजन के साथ वो अटैच होते हैं, उन्हीं के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, उसी को न्यूट्रलाइज करते हैं, दूसरे को नहीं, तो वो बहुत स्पेसिफिक है। तो अगर उस पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बने हुए हैं बॉडी में, इसका मतलब वो एंटीजन प्रेजेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, उसके बाद एक और एंटीबॉडी डालते हैं तीसरे नंबर पे, ये डाला, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आगे पीछे डालते हैं, दो तरह की टेक्निक्स हैं, ओके। तो एंटीबॉडीज पहले हमने डाल दिया, एंटीजन आ गया उस पर्सन की बॉडी में से, तीसरे नंबर पे जो डालेगा वो फिर से एंटीबॉडीज बनेंगे, डाले जाएंगे, बट दिस टाइम द एंटीबॉडीज आर लिंक्ड विद एंजाइम, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज, और ये जो हमने एंजाइम डाला है ये सिर्फ इसलिए है ताकि हमें पता चल जाए कि क्या ये इसके बीच में इंटरेक्शन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अगर इंटरेक्शन हुई है इसका मतलब द पर्सन इज हैविंग दैट पर्टिकुलर वायरस इन हिज बॉडी, तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज डालेंगे, जो तीसरे नंबर पे चीजें आई हैं, ये तीसरे नंबर की चीजें, दीज विल गो एंड बाइंड टू, दीज विल आल्सो गो एंड बाइंड टू द एंटीजन। तो यहाँ हमारे एंटीजन के साथ जो ये आया है हमारा, This is linked to enzyme. तो ये जो हमारे antibodies हैं, इनके साथ मिलकर आया है हमारा enzyme. ये एक particular ऐसा enzyme है. ये enzyme, this enzyme को E से denote कर सकते हैं. This E enzyme, when it combines with a particular substrate, इसमें हम अभी substrate भी डालेंगे बाद में, fourth number पे डालेंगे, ठीक है? तो एंजाइम और सब्सट्रेट जब दोनों मिलेंगे तो एक पर्टिकुलर कलर देंगे, अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं तो वो पर्टिकुलर कलर नहीं होता, ठीक है। तो अगर इनका इंटरेक्शन होगा, ये जो हमने डाला नंबर तीन पे, नंबर एक पे डाले एंटीबॉडी, नंबर टू पे डाले एंटीजेंस, नंबर थ्री वी हैव एडेड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज, ये तीनों अगर एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर कलर देगा। अगर ये तीनों चीजें एक दूसरे से कंबाइन नहीं हो रही हैं, तो देयर विल बी नो कलर। नो कलर मींस नो पैथोजन। तो ये एक तरीका है ये देखने का कि माइक्रोपिपेट के अंदर, माइक्रो वेल्स के अंदर, माइक्रोटाइटर्स के अंदर क्या हो रहा है, ये हमें कैसे दिख सकता है, वी कैनॉट सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, वी कैनॉट सी दीज प्रोटीन्स एंटीबॉडीज, ओके, एंड वी कैनॉट सी द एंजाइम हियर, बट वी कैन ओनली, वी आर एडिंग द थिंग्स, बट वी कैनॉट सी कि हाउ दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, सो टू नो दिस वी हैव टू एड द एंजाइम, एंजाइम विल प्रोवाइड द कलर ऑन इंटरैक्शन विद द एंटीबॉडीज, ओके। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स पहले बन चुका 102 का,
number 3 will bind to the antigen, then what will happen? Color is produced. If color is there, it means the person is having that particular pathogen in its body. And if no color, no pathogen. So this is a way, this is ELISA, this is enzyme linked immunosorbent assay, and this is used to detect the presence of a particular pathogen in the body of a person. Okay? तो ये जो टेक्निक्स है इससे क्या है, इससे पता चल जाता है थोड़ा भी डीएनए अगर होगा उस वायरस का तो हम देख सकते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल सकता है, नहीं तो इसको डायग्नोस करने का क्या होता है तरीका, तब हम डायग्नोस कर पाते हैं जब तक ये बॉडी में स्प्रेड हो चुका होता है काफी. सो दिस इज अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. आई होप यू विल यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.